हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कर रही हूँ भगवान के दिया बत्ती सुबह सुबह, फिर काम सारा करना स्टार्ट करूँगी। पहले ऊपर जाऊँगी डस्टिंग करने, लेकिन सबसे पहले भगवान जी के दिया बत्ती कर देती हूँ। इस तरह से जो भगवान ये जो दीवट आती है, इसमें मैं घी डाल के फिर रखती हूँ। तो फिर की सरस्वती माता जी हमेशा अपने मंदिर में रखनी चाहिए। तो बच्चे जब पढ़ रहे होते तो मेरे घर में ये मस्त मंदिर में सरस्वती माता जी की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है। और इस तरह से और मैं अपने मंदिर में दो तरह के तिलक रखती हूँ, एक ये चंदन वाला रखती हूँ और एक जो ये कंकु का दिया। तो मैं हो गया एकदम घर साफ पूरा अच्छे से, फटाफट किया ताकि मतलब साफ पिनल के साथ ही सारी मेरी सफाई हो जाए। ऊपर सारा अकेले करके आई, ये रहा एकदम नीट एंड क्लीन मेरा घर, ये रहा एकदम मेरा एकदम मस्त। कपड़े पड़े थे कल रात में, मैंने नहीं समेटे थे तो अभी समेट के रख दिए। आज बना रही हूँ फ्राइड राइस और साथ में बना रही हूँ खीर। तो दूध अभी उबलने रखा है, थोड़ी देर उबलेगा उसके बाद इसमें केसर डालूंगी। और फ्राइड राइस के लिए ये चावल उसा के रख दिए इस तरह से, और ये खीर के लिए चावल भिगो के रखें। बस ये सब खाना बनेगा आज। कई लोग बोलते हैं क्या काम होता है क्या काम होता है, लेकिन घर में हजारों काम होते हैं, छोटे छोटे से इतने सारे काम होते हैं, पूरे दिन करते रहो तो भी फ्री नहीं होता। बहुत धूप और बहुत गर्मी है, अगर बाहर कपड़े सुखाएंगे उतने में तो बहुत गर्मी गर्मी हो जाती है। प्लांट्स को पानी भी देना है, क्योंकि आज जो बाहर तो मैं सोच रही हूँ शाम को ही प्लांट्स को पानी दूंगी, अभी तो नहीं दूंगी मैं, और टाइम भी नहीं है। इतना सारा काम करके बहुत ज़्यादा मैं भी थक गई हूँ, तो मुझसे अभी तो अब तो ये सारा काम मैं नहीं करूँगी। फिलहाल तो बच्चे आने वाले हैं, उससे पहले ये बन गया, बस सब्जियाँ काटनी है तो सब्जियाँ काटूँगी। खीर तो उबलती रहेगी अपने हिसाब से, और वो लोग थोड़े नाचोस और सब है घर में, नाश्ता काफ़ी सारा है तो आके पहले तो वो लोग वो खाएंगे। फ्राइड राइस भी बन गया और खीर भी बनकर हो गई है तैयार, तो अभी आज हम लोग जल्दी लंच कर लेंगे। ये रे मस्त फ्राइड राइस, और ये रे मेरी केसर ड्राई फ्रूट वाली खीर। खीर में पता है ठंडी होने के बाद उसमें वैनिला आइसक्रीम डाल के खाते हैं ना, ठंडी खीर फ्रिज में रखी हुई बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज हम लोग जल्दी ही कर रहे हैं लंच, वरना तो हम लोग 2 बजे करते हैं। बच्चे भी बोलते हैं 2 बजे, अभी तक 2 नहीं बजे, मतलब जब वो घर पे होते हैं और स्कूल जाते हैं तब तो हमारा थी। मैं पहले खा लेती हूँ, कभी कभी बाकी रहता है, मेरा कुछ काम होता है, वरना मैं जल्दी से खा लेती हूँ। पर इन लोगों को 2:45-3 बजे की आदत हुई है खाने की, तो फिर वो लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि अभी टाइम नहीं हुआ टाइम हुआ। लेकिन आज फ्राइड राइस से एक बार भी नहीं बोला है कि नहीं अभी हम नहीं खाने वाले, बस ऐसे ही। और ये रहे दोनों अपना बिजी हैं दोनों, और ये अथु अपना बैठा टीवी चालू करके। ये ब्लाउज है एकदम टाइट हो गया है मुझे, तो इसको सोच रही हूँ इसको पहनूंगी, काफी टाइट हो गया इस तरह से, यहाँ भी नहीं आता आगे तो क्या जाएगा। ये है बहुत सुंदर ये, और वहाँ जिनसे मैं पहले सिलवाती थी ना, उनके पास टाइम नहीं है, उन्होंने अभी वो सिर्फ ब्लाउज सिलते हैं, ये ड्रेस सिलना बंद कर दिया है। ये जो मेरा सुंदर ड्रेस है एकदम, इसको टेलर अभी घर पे बुलाए, दूसरे एक और दिन को पहचानती हूँ वो घर पे आने वाले, तो ये तो इसको मैं सोच रही हूँ कि इस पर है ना ट्रेडिशनल लेस लगवा के फिर इसको सिलाऊँ, ये बहुत सुंदर लगेगा इस तरह से। राजस्थान में इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, ये मैं वहाँ से लेकर आई थी। इसका शॉर्ट कुर्ता बनेगा तो इसका शॉर्ट कुर्ता बनाऊँगी वैसे ही। डेढ़ मीटर ही है तो इसका लॉन्ग कुर्ता तो नहीं बन सकता है, और एक और मटेरियल पड़ा था मेरे पास में ये वाला, इसका भी कुर्ता सिलवा लूँगी, ऐसे ही पड़ा है रखा है तो घर में पहनने के लिए काम आ जाएगा। ये इस तरह के कपड़े पड़े हैं तो मैं सोचा चलो पहले वाइब से पहले सोच लूँ कि किस तरह के सिलवाने मुझे, बस ये लेकर बैठी। कलर बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर कलर है ये एकदम, और पूरा पहनने के बाद भी एकदम मस्त खुल के आता है, वैसा वाला कलर है खिला खिला सा। अधू आके खड़ा है, मैंने सोचा उसको कुछ काम होगा, इस
इसकी भी प्रिंट बहुत ही अच्छी है इस ड्रेस की भी, ये एकदम मस्त है। इसका सलवार जो है एकदम बेबी पिंक कलर का है, इसके साथ सलवार रेड कलर की, इसकी जो सलवार है ना ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत ही अच्छा है। तो बस आज इन सब की पैटर्न तैयार कर लेती हूँ और इसकी सिलाई खोल देती हूँ बैठ कर, ताकि पहनने के काम लगे। ये एक मैं गई थी वहाँ से, मैंने लिया था एग्जीबिशन से, ये कपड़ा छोटा था, ये फिर आगे की तरफ प्लेन ब्लैक कपड़ा डाल के फिर इस ब्लाउज को सिला इस तरह से। ये सारे काम है अभी आज बैठ कर तो सारे काम खत्म करूँगी। बनाने दूधी की मूर्तियाँ खाने में डिनर में, मेरे दूधी पूरी ये 500 ग्राम जितनी दूधी है ये छीन के डालूंगी आटे में, बाकी तो सारा मसाला करना ही होता है। बैठ के दूधी को पहले छीन लेती हूँ इस तरह से, दूधी का हलवा बनाते ना तब भी इसी तरह दूधी को छीनते, और इसके मूठिया में भी ऐसे ही डालते छीन के। बाहर सारी दूधी छीन के फिर मसाला तैयार करूँगी, थोड़ा मोटा आटा जो बोलते हैं ना चूरमे का आटा वो भी डालते हैं, और नॉर्मल रोटी का आटा होता है वो मिक्स करके फिर बनाते तो अच्छे बनते हैं। तो सारी दूधी छीन ली है और ये रहा पानी, एक पानी भर के पूरा इसके अंदर डालूंगी, पानी गर्म होता रहेगा और तभी साथ में मैं आटा गूंद लूंगी मूठी के लिए। तो ये रहे हमारी मूठियाँ, धीमी आंच पर ये पकेंगे और फिर इसका तड़का वगार करेंगे इनको। कपड़े नीचे ला के रख दिए सीलने डालने, वो अभी आएंगे टेलर भैया जो बुलाए उनको बोएंगे, फिर सारी पैटर्न सोच लिए गले कैसे बनवाने। वो मूठियाँ मेरे हो गए तैयार, तो अब इनका लगाऊंगी तड़का बना के वगार। कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, राई, हींग और बस इतना ही, तिल, हाँ तिल डालूंगी वो तो बहुत ज़रूरी है। इनको इस तरह से छोटे छोटे से सर्कल में काट लेने होते हैं, और ये ऐसे नहीं पता चले ना कि 30-35 मिनट में, तो जैसे हम लोग काट रहे हैं ना तो चक्कू पे चिपकना नहीं चाहिए, ऐसे चक्कू डाल के देखें ना चेक करें तो समझ लेने के कि भाई पक गए अच्छे से। तो इस तरह से सारे काट लूँगी मैं इनको। लगा लिया है मूठिया का तड़का और हो गए मूठिया एकदम तैयार बनके। ये रहे मेरे मूठिया एकदम बनकर हो गए तैयार अच्छे से पूरा, बहुत सारा थी ये, इसमें बहुत ज़्यादा तिल डाले, मस्त लगते हैं तिल से, और बहुत अच्छे से कड़ी पत्ता भी डाले, हरी मिर्च भी डाली ऊपर से, मतलब ऐसे ही साथ में खाने हो तो बहुत अच्छी लगती है। और ये रही मस्त फ्रिज में से निकाली हुई ठंडी ठंडी खीर, इसके मूठिया के साथ खाएंगे हम लोग खीर। बस तो आज का दिन ऐसे ही निकल गया और अभी कर लेंगे हम लोग डिनर मूठिया और खीर का। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अगर आज की ब्लॉग आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।